हे गाइस, दिस इज राघव शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल इनसाइट। तो आज हम बात करेंगे पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन, जो लास्ट वीडियो इंजन ऑयल्स की थी उसका पार्ट टू होगा ये, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंजन ऑयल के जो SAE ग्रेड्स होते हैं वो किस टेम्परेचर रेंज के हिसाब से काम करते हैं, आपके इंजन CC के हिसाब से आपको कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितनी देर के बाद, मतलब कितने किलोमीटर के बाद आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं SAE ग्रेड्स के बारे में। SAE मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि स्टैंडर्ड रखती है ग्रेड्स के, जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते हैं। अब SAE के अगर हम ग्रेड्स देखें, ये चार्ट आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा SAE ग्रेड चार्ट के नाम से। इसके अंदर आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो ऑयल डल रहा है वो कितनी टेम्परेचर रेंज से कितनी टेम्परेचर रेंज तक काम करता है। मतलब जैसे हमने उसमें बात करी थी 10W30 की, तो SAE 10W30 जो है वो -25 से +30 degrees तक काम करता है। मतलब विंटर कंडीशन में -25 degrees Celsius जहाँ पे कार चल रही है वहाँ पे चल सकती है, और +30 मतलब 30 degrees Celsius तक जहाँ पे टेम्परेचर होगा गर्मी होगा वहाँ पे भी ये ऑयल चल सकता है। तो इसकी वर्किंग रेंज होती है। यहाँ से आप हर तरह के ऑयल की, चाहे वो मिनरल ऑयल हो, चाहे वो सेमी सिंथेटिक ऑयल हो, चाहे वो सिंथेटिक ऑयल हो, उनकी आप रेंज देख सकते हो कि किस टेम्परेचर रेंज में काम करता है। जो आपके मिनरल ऑयल हैं उनकी रेंज कम होती है, सेमी सिंथेटिक ऑयल्स में जब हम आते हैं तो उनकी रेंज बढ़ जाती है, और जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं उनकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ये है SAE 2060, ये वैसे सेमी सिंथेटिक बेस्ड है पर एक्चुअली भी सिंथेटिक होता है। SAE 5W30 सिंथेटिक है, ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है। SAE 0W30 इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है। तो ये रेंज वेरी करती हैं ऑयल टू ऑयल। अब हम बात करते हैं कि आपका जो इंजन के हिसाब से आपको कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए। अगर आपका इंजन 50 से 149cc के बीच में आ रहा है तो आप 10W30 या 5W30 डलवा सकते हो। जितना आपका नंबर 50 के पास होगा आपको 10W30 प्रेफर करना चाहिए, और जितना आपका 149 के पास होगा आपको 5W30 प्रेफर करना चाहिए। इसी तरह अगर आपका 150 से 299 के बीच में है तो इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं 10W40, 20W40 और 20W50। अब इसके अंदर सेमी सिंथेटिक में अगर जितना आपका 150 के पास है तो आपको 10W40 प्रेफर करना चाहिए, और जितना आपका 299 या 300 के पास है 20W50 प्रेफर करना चाहिए। इसी तरह अगर हम फुल्ली सिंथेटिक में आएँ, फुल्ली सिंथेटिक जो डलवाते हैं, 300 से ऊपर अगर आपकी CC है तो आपको 10W50, 15W50 और 20W50, ये तीन रेंज हैं आपके पास। जितना आपका 300 के पास होगा 10W50 प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपका इसके अंदर 400 या उससे ऊपर जा रहा है CC तो आपको 20W50 प्रेफर करना चाहिए फुल्ली सिंथेटिक में। अब हम बात करते हैं कि आपने इंजन ऑयल डलवा तो लिया पर कितनी देर के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो ख़राब भी तो होगा। तो अगर आप मिनरल ऑयल डलवा रहे हो और आप 60 km/h की स्पीड से कम चलाते हो या 60 km/h तक चलाते हो तो आपको 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में चेंज करवाना पड़ेगा ऑयल। और अगर आप 60 km/h से ऊपर चलाते हो, 60-90 या रफ ड्राइविंग करते हो, तो आपको 3000 किलोमीटर पे चेंज कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितनी आप रफ ड्राइविंग करोगे उतनी जल्दी आपको अपना इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। इसी तरह सेमी सिंथेटिक ऑयल जो डलवाएंगे, अगर वो 60 km/h की स्पीड पर चला रहे हैं या उससे कम चला रहे हैं तो 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच में चेंज करवा सकते हैं। पर सेम कंडीशन, अगर वो 60 km/h या उससे ऊपर चला रहे हैं या फिर वो रफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनको 4500 किलोमीटर तक चेंज कराना पड़ेगा,
क्योंकि रफ ड्राइविंग से इंजन की वेयर एंड टीयर बढ़ती है, इंजन ऑयल पे जो उसकी विस्कोसिटी है वो रिड्यूस होने का चांस रहता है। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो है उसके अंदर आप 60 किलोमीटर पर आर या उससे नीचे अगर आप चला रहे हो तो आप 8000 किलोमीटर पर चेंज कराओगे। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कहाँ पे 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में चेंज करा रहे हैं और कहाँ ये 8000 किलोमीटर पे चेंज हो रहा है। तो फुल्ली सिंथेटिक में ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। और अगर आप इसी के अंदर फुल्ली सिंथेटिक में 60 से 90 की स्पीड पे चला रहे हो या फुल्ली सिंथेटिक में जैसे आपकी रेसिंग बाइक है तो आप रफ ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको 7500 किलोमीटर पर चलाना पड़ेगा। तो आपने अगर इसका ट्रेंड देखा हो, यहाँ पे 3500 है ये 3000 हो गया, यहाँ पे 5000 है तो ये 4500 हो गया, यहाँ पे 8000 है तो ये 7500 हो गया। तो आपकी सिर्फ रफ ड्राइविंग करने से आपकी 500 किलोमीटर की जो रेंज है इंजन ऑयल की वर्किंग की वो ख़राब होती है। तो इसीलिए रफ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलाओ बहुत अच्छी रहती है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मतलब 55 से 60 के बीच में आपकी बाइक्स आपको माइलेज भी देंगी और आपका इंजन ऑयल भी बचा रहेगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।